गाइस, आज हम आ गए राधा कृष्णा स्टॉल पे सीआर पार्क में मार्केट वन। और ये भैया है जो यहाँ पे खड़े होते हैं, इनके पास है झालमुरी, भेलपुरी और पापड़ी चाट, और प्राइसेस भी भैया की बहुत कम है। तो देखते हैं कि कैसे इनकी बनती है ये फेमस भेलपुरी। नमस्ते अंकल। नमस्ते जी। मैं कितना टाइम हो गया आपको लगाते लगाते यहाँ पे? 2001 से आया। अच्छा, अभी तक चल रहे। अच्छा, ये प्याज डाल दिया। अच्छा, ये वाला आलू डाला। अच्छा, आप यहीं पर कितने बजे से कितने बजे तक खड़े होते हैं? मैं 4 बजे आते हैं, रात 9 बजे चले जाते। अच्छा, हर रोज आते हैं भैया? जी, ये है काला नामा, ये है पापड़ी। अच्छा, ये चना दाल भाजी, ये सेव भाजी, ये है मुरमुरा, ये है मूंगफली दाना, इसमें थोड़ी सी मसाला पड़ता है टेस्ट के लिए। अच्छा, भेलपुरी प्लेट में होते हैं, ये सामान गीला है। अच्छा अच्छा, इसी प्लेट में होते हैं, लिफाफे में देखोगे तो लपट जाएगा, निकल नहीं पाओगे। अच्छा, ये है आपकी इमली की चटनी? इमली है थोड़ा काटने के लिए। अच्छा, बाकी कलकत्ता वाला आम पप्पू। अच्छा, किशमिश, चीनी। ओ बढ़िया बढ़िया, ये फ्यूजन तो भैया मैंने पहली बार देखा है किसी इमली की चटनी में ऐसा फ्यूजन। खाओगे इसका खुशबू थोड़ा देख लीजिए, इतना अच्छा है। ओहो, बहुत ही अच्छी खुशबू है, और खाने में भी ऐसे टेस्टी है। मैं तो भैया रुक नहीं पा रही, मैं तो आप फटाफट बना दो, क्योंकि अब रुका नहीं जा रहा। ये 5-star होटल, उबेरा होटल, बहुत जगह में बड़ा बड़ा होटल में गया है। अच्छा, केटरिंग के लिए भी जाते हैं भैया? जी जी। तो ये लग रही है हमारी भेलपुरी, कितने की प्लेट है भैया? ये 35। ये लग गई हमारी भेलपुरी, इसका प्राइस भैया कितना है? 35। अच्छा, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच भेलपुरी के लिए।